हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वेयर टू इन्वेस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत सारे व्यूअर्स से उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो में हम ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर आप रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है SCSS, मतलब कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये बेसिकली जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको दी जाती है। तो ये बेसिकली स्कीम के अंदर क्या है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स जो कि 60 इयर्स के अबोव के एज है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मैं बताऊं कि ये सेफेस्ट स्कीम है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैकअप की गई है। इसमें एक्चुअली आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स इंटरेस्ट आज के डेट में मिलता है 8.7% पर एनम, और वो क्वार्टरली एवरी 3 मंथ्स आपको पे किया जाता है। और ये जो इंटरेस्ट है वो फुल्ली टैक्सेबल है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप ये स्कीम में कर सकते हैं वो पर इंडिविजुअल आप 15 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट ये स्कीम में कर सकते हैं। और ये स्कीम जो है बेसिकली आप कोई भी बैंक या तो पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। ये जो स्कीम होती है उसके अंदर एक्चुअली 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, और इसके अंदर आप एवरी 3 इयर्स 5 साल के बाद 3-3 साल का रिन्यूअल कर सकते हैं। अभी ये जो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो PMVVY मतलब प्रधानमंत्री वाया बीमा योजना प्रमा प्रधानमंत्री वंदना योजना है उससे लेस फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर एक्चुअली आपको टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब एन्यूअल अप टू 1.5 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तक आपको एक्चुअली टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। ये जो स्कीम है इसमें एक्चुअली प्री मैच्योर विड्रॉवल भी पॉसिबल है। तो ये बेसिकली सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। और ये मैं तो बताऊं कि कोई भी रिटायर्ड पर्सन है जिसको फिक्स इनकम की ज़रूरत है वो ये स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके अंदर अपर लिमिट 15 लाख रुपीज़ है, तो 15 लाख रुपीज़ तक को आप तो आपको अपना कैपिटल है वो ये स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना ही चाहिए क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही अच्छे है। इसके बाद जो स्कीम आती है अभी, हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो स्कीम है ये इसके ऊपर आप लोन नहीं ले सकते हैं, ये एक पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी इसके बाद जो दूसरी स्कीम आती है जिसको हम बोलते हैं PMVVY, ये है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये भी एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो आपको 8.3% पर ईयर तक मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक फ़ायदा ये है कि जो इंटरेस्ट का पे आउट है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या तो ईयरली पे आउट के ऑप्शन होते हैं। अगर आप मंथली पे आउट के ऑप्शन के लिए जाते हैं तो 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप हाफ ईयरली या तो ईयरली पे आउट के लिए जाते हैं तो आपको 8.13% या तो 8.3% का इंटरेस्ट मिल सकता है। अभी ये स्कीम जो है इसके अंदर भी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसकी तरह मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का जो कैप लगाया गया है वो 15 लाख पर एनम का लगाया गया है। ये स्कीम के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो बेसिकली 10 इयर्स का होता है। तो ये स्कीम जो होती है वो इन लोगों के लिए बेस्ड होती है कि जो एक्चुअली जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो अगले 10 साल तक एक्चुअली लॉक इन करना चाहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हर साल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बेसिकली कैसा है कि अगर आप अगले 10 साल तक 8% या 8.3% का इंटरेस्ट रेट लॉक कर देना चाहते हैं तो आज के डेट में इसमें आप 15 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट करके जो 10 साल तक जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अभी ये जो स्कीम है वो SCSS से ज़्यादा प्रॉफिट ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर मंथली पे आउट के भी ऑप्शन है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो बेसिकली क्या है कि सीनियर सिटीजन स्कीम में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि क्वार्टरली पे आउट का ऑप्शन है। तो ये स्कीम को मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल मानूंगा। ये जो स्कीम है उसके अंदर सेक्शन 80C के तहत कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है SCSS की तरह, और प्री मैच्योर विड्रॉवल है वो ये स्कीम के अंदर पॉसिबल नहीं है। अनलेस आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होता है तो बेसिकली आप विड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो स्कीम है अनलाइक SCSS, इसके अंदर एक्चुअली आप ये स्कीम पर 3 साल के बाद 10% के इंटरेस्ट रेट पर लोन भी ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो वाया वंदना योजना है ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कीम है।
तो बेसिकली आपके पास अगर 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पस है, जिसमें से आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो बेसिकली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और ये जो PMVVY स्कीम है, ये दोनों के अंदर या दो कोई भी एक के अंदर या तो दोनों के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्कीम है वो आजकल रिटायर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। और दूसरा कैसा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको अपने जो मनी है उसका एब्सोल्यूट सेफ्टी चाहिए। तो बेसिकली आप एक्चुअली ये जो स्कीम्स होती है वो गवर्नमेंट के बैक्ड बाय होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सोवेरियन गारंटी के साथ आती है, मतलब गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। तो इसके अंदर जो लगाया हुआ पैसा है वो एब्सोल्यूट सेफ माना जाता है। तो आप ये जो दो स्कीम है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो आता है वो ये है कि POMIS, मतलब कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये 5 ईयर्स की स्कीम होती है, और इसके अंदर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो जॉइंट अकाउंट में अगर करते हैं हस्बैंड वाइफ तो 9 लाख रुपीज़ तक कर सकते हैं, और अगर सिंगल अगर आप पर्सन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 4.5 लाख रुपये तक का अमाउंट जो है इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है 7.8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि मंथली आपको इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है, और ये जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और सेफ सेम स्कीम है, लेकिन इसके सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें सिर्फ मैक्सिमम आप जॉइंट होल्डर होकर सिर्फ 9 लाख तक का ही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज फिर भी ये बहुत अच्छा स्कीम है। दूसरा कैसा एक ऑप्शन है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। तो आजकल मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2, 3, 4 डिकेड्स में बैंक्स फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो बेसिकली रिटायर्स के अमाउंट एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, क्योंकि बैंक जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो एज सेफ एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी माना जाता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो हाईएस्ट लेवल पर आएगा, लेकिन फिर भी बैंक फिक्स डिपॉजिट्स है वो कंपेरेबल रहता है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये कैसा है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रिटायर्स के लिए, रिटायरीज के लिए इंडिया के अंदर। लेकिन इसके अंदर कैसा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होता है इंटरेस्ट रेट RBI की तरफ से कम होते जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो 7 to 7.25 के आजू बाजू परसेंट जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 0.25%, 0.5% जैसा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी मिलता है। तो बेसिकली आप एक्चुअली कोई भी ऑनलाइन साइट पर जाके या बैंक के वेबसाइट पे जाके ये आप इसके जो इंटरेस्ट रेट्स है बेसिकली वो चेक कर सकते हैं। अभी इसमें कैसा है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है, एक्सेप्ट जो 5 ईयर की जो रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट होती है उसके अंदर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें भी जो इंटरेस्ट जो अमाउंट आता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अभी ये कैसा आता है, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट करने के लिए वो है म्यूचुअल फंड। और मैं दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो बेसिकली मेरे फेवरेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो ये कैसा है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये बहुत सारे वेराइटीज़ में आते हैं। तो मैं हमेशा अपने जो व्यूअर्स हैं इन्वेस्टर के, उनको मैं हमेशा ही ये सजेस्ट करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हैं डेफिनेटली। बहुत सारे मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लेकिन ये कहाँ सेफ होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट रिस्क के साथ लिंक होते हैं, तो मार्केट के हिसाब से ये चलते हैं। लेकिन ये सेफ्टी मतलब पॉइंट मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि कोई स्कैम के चांसेस है इसके अंदर, क्योंकि ये सेबी के द्वारा है, जो गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा जितने भी म्यूचुअल फंड्स है वो सब म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली रेगुलेटेड हैं। तो ये से वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ माने जाते हैं। दूसरा कैसा है, ये म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बात है कि ये बहुत सारे वेराइटीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या बैलेंस फंड्स, गोल्ड, सेक्टोरल, थीमेटिक, लिक्विड या तो इंटरनेशनल। तो आपके हर एक टाइप की जो नीड है रिटायरमेंट के बाद उसके हिसाब से एक अलग म्यूचुअल फंड होता है, तो जो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नीड को फुलफिल करता है, ठीक है। अभी डेट फंड दूसरी एक बात कैसी है कि जो बैंक फिक्स डिपॉजिट में बहुत सारे जो रिटायरीज इन्वेस्ट करते हैं उससे अच्छा एक्चुअली ऐसा है कि डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो टैक्स एफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, प्लस एक्चुअली बैंक फिक्स डिपॉजिट से इफेक्टिव रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना अच्छी बात रहती है।
इसके बाद कैसा है कि जो बैलेंस फंड्स जो आते हैं, मतलब कि हाइब्रिड फंड्स जो कि इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये बेसिकली आपको है ना इक्विटी में एक्सपोजर करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, और ये जो डेट फंड जो होते हैं वो बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके देते हैं 10-15% पर एनम। तो बेसिकली ये मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा जितने भी हमारे रीडर्स है, व्यूअर्स है, उनको मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी आप एक्चुअली 10-30% जो आपका कॉर्पस है कैपिटल, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट करने का चूज कीजिए। क्योंकि पहले, आज से एक डिकेड पहले, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और पर्सनल फाइनेंस गुरुज थे, वो बेसिकली कैसा सजेस्ट करते थे कि रिटायरमेंट, एक बार आपका 60 ईयर्स का एज हो जाए तो उसके बाद आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, और आपका जितना भी मनी है वो सब आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही पार्क करने हैं, मतलब फिक्स यील्ड इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं बेसिकली कैसा है कि आज के डेट में अगर आप मुझे पूछे तो मैं कोई भी रिटायरी को यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10% से लेकर 30% के बीच का कोई भी अमाउंट है उसको आप एक्चुअली इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कीजिए, और इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कंटिन्यू रखिए म्यूचुअल फंड के थ्रू फॉर बेटर रिटर्न्स। क्योंकि क्या है, तो ही आप 10% से ज़्यादा आप रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि ये थोड़े बहुत यहाँ पे बैलेंस फंड्स अगर हम देखें तो ये है यहाँ पे कि सपोज ये देखिए वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम की वेबसाइट पर हम जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअली बैलेंस फंड्स का हम देखते हैं, हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं उसके अगर टॉप परफॉर्मेंस देखते हैं, सपोज लास्ट 5 ईयर्स के अंदर देखते हैं, तो लेट अस सी। जैसे कि देखो ये हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड्स है, इसमें अभी देखते हैं कि कौन से अच्छे जो फंड्स होते हैं वो अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंड्स होते हैं ये फेब्रुआरी 2002 से ये SBI मैग्नम का फंड है, तो इसका आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 14.58% दिया गया है, और ये कोटक एसेट एलोकेटर फंड है ये 12.68% इसका रिटर्न है जो कि 2004 में लॉन्च हुआ था। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको देखाऊं तो इसका अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो आप देख पाते हैं कि ये इसका जो पोर्टफोलियो जो है SBI मैग्नम का, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 68% डेट में इन्वेस्टमेंट है और 24% इक्विटी में है, जबकि ये कोटक जो फंड है उसके अंदर आप देखते हैं इसका पोर्टफोलियो, तो बेसिकली इसके अंदर देख सकते हैं तो 83% इक्विटी अलोकेशन है और 9-10% डेट, सॉरी 83% डेट अलोकेशन है और 9-10% इक्विटी अलोकेशन है। तो मैं बेसिकली इस प्रकार के फंड आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के फंड के अंदर अगर आप मनी पार्क करते हैं अपना, तो आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंटली 14-10% से अबोव सब रिटर्न्स देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सारे बैलेंस फंड्स है इन्होंने एक्चुअली 10% से ज़्यादा ही 5 ईयर्स के पीरियड में रिटर्न दिए है, मतलब 10% से ज़्यादा CAGR, जो कि थोड़ा सा ही इक्विटी अलोकेशन रखने से आप इतना रिटर्न अचीव कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यही सजेस्ट करता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि आप ये जो बैलेंस फंड्स जो होते हैं उसको आप बेसिकली इग्नोर ना करें, और इसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेज लीजिए, और बैलेंस फंड के अंदर आप अपना मनी जो है वो बेसिकली पार्क कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग, पोस्ट रिटायरमेंट का प्रोडक्ट है। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये 80-90% जितना का जो आपका कॉर्पस है वो डेट सिक्योरिटी में ही रखते हैं और डाइवर्सिफाइड करके, तो बेसिकली वो सेफ ही माना जाता है। सिर्फ 10-30% ही इक्विटी में अलोकेशन होता है, तो आपको उससे 10% से ज़्यादा एन्यूअल रिटर्न मिल सकते हैं। तो अभी कैसा है कि आपका म्यूचुअल फंड्स में एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपको टैक्स सेव करना है ATC के तहत, तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। और दूसरी एक अच्छी बात म्यूचुअल फंड्स की ये होती है कि इसके अंदर एक्चुअली किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं होता है, सिर्फ एग्जिट लोड होता है। अगर आप अराउंड सर्टेन टाइम 1 ईयर के पहले अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा माइनर सा एग्जिट लोड होता है। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं मेरे हिसाब से बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो मैं अपने अगले वीडियोस में इसके बारे में आपको डिटेल में और समझाऊंगा कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये वीडियो के लिए आप समझ लीजिए कि बैलेंस फंड्स जो होते हैं वो रिटायर पोस्ट रिटायरमेंट के बाद बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं पोस्ट रिटायरी लोगों के, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि इक्विटी फंड में भी बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल होते हैं। अभी जो एक ऑप्शन जो होता है इन्वेस्टमेंट व्हीकल पोस्ट रिटायरमेंट के, वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स कैसे है कि आजकल एक्चुअली प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो वहाँ से आप एक्चुअली परचेस कर
कर सकते हैं। और ये जो जितने भी संस्था मैंने दिखाई है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एनटीपीसी, तो ये जितनी भी जो संस्था है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, और ये सबके एक्चुअली टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट किए गए हैं, तो इसमें से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो रेटिंग होता है वो हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग होता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है कि ये 10, 15 या 20 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। तो अनलेस आपको एक्चुअली इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है लॉक इन पीरियड, तो ही आप ये लीजिए। अदरवाइज मेरे सजेशन से है एक्चुअली कैसा है कि आप एक्चुअली जो बैलेंस फंड जो होते हैं, बैलेंस म्यूचुअल फंड, वो इससे बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें 10% से ज़्यादा आप रिटर्न भी ले सकते हैं और कभी भी आप एग्जिट भी हो सकते हैं। अभी इसका एक फायदा ये है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है, और इसमें जो पे आउट होता है इंटरेस्ट का, वो एनुअल इंटरेस्ट पे आउट होता है। इसके बाद का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आता है वो है इमीडिएट एन्यूटीज। तो ये जो इमीडिएट एन्यूटीज है वो बेसिकली जो स्कीम्स होते हैं, पेंशन स्कीम नहीं बोलते हैं लेकिन एन्यूटी स्कीम ही बोलते हैं, वो बेसिकली कैसा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा सेल की जाती है। तो बेसिकली कैसा है कि ये जो है इमीडिएट एन्यूटीज होती है वो आपको 5 to 6% पर एनम का आपके कैपिटल का रिटर्न देते हैं, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है जो रिटर्न। और ये जो इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आप जितना भी, सपोज आप इसके अंदर 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके इमीडिएट एन्यूटी लेते हैं, तो आपको एवरी ईयर 5 to 6 लाख रुपीज का पेंशन मिल जाता है इमीडिएट ईयर से, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स का जो पीरियड है उसके बाद एक्चुअली आपका जो कॉर्पस है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो कोई प्रोविजन नहीं होता है कि आपको अपना रिटर्न ऑन कैपिटल मिले। तो इसीलिए मैं बेसिकली इसको एडवाइज नहीं करता हूँ, कि अगर आपका फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा भी ज़्यादा है तो इससे बेटर है कि आप कोई भी बैलेंस म्यूचुअल फंड्स में, या तो डेट म्यूचुअल फंड्स में, या तो इक्विटी प्लीज प्लस डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में आपको अपना कैपिटल जो है वो वापिस भी मिल सकता है। अभी इसमें कैसा है कि 7 से 10 प्रकार के डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको खुद को लाइफ टाइम तक पेंशन मिल सकता है, आपके स्पाउस को मिल सकता है, आपके जो रिटायरमेंट, जो आपके जो हेयर्स है उनको भी मिल सकता है। ठीक है, अभी ये है कि मैं वही एक बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा है तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अपने पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई अच्छे बुक्स रीड कर सकते हैं, या तो ये चैनल में से नॉलेज ले सकते हैं, तो बेसिकली मैं बताऊं कि मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी मैं इसके अबो एक्चुअली एन्यूटी मेथड सजेस्ट करता हूँ, कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होने का डर रहता है। तो अभी ये जो मैं होता है बेसिकली मैं आपको यहाँ पे यही दिखाना चाह रहा हूँ कि सपोज देखते हैं कि मेरा खुद का एक वीडियो है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो मैंने खुद ने एक वीडियो बनाया हुआ है कि मेकिंग योर मनी लास्ट लॉन्गर देन यू डू। तो ये जो वीडियो है इसका लिंक जो है मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि आप कैसे अपना जो मनी है रिटायरमेंट के बाद बैलेंस फंड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, और आप 20, 30, 40 जितना भी आप मतलब लाइफ टाइम या उससे भी ज़्यादा, मैंने स्प्रेडशीट पे यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया है कि आप एन्यूअली 4 to 6% अगर विड्रॉ करते हैं, यूजुअली 4 to 5%, तो भी एक्चुअली जो आपके ये जो फंड होता है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, और आप जितना लाइफ टाइम या उसके बाद भी एक्चुअली आपके जो नॉमिनीज है उसके लिए चलता है। तो बेसिकली ये जो मेरा मेथड है मैं ये बेसिकली सजेस्ट करता हूँ रादर देन इन्वेस्टिंग इन एन्यूटीज। तो इसका लिंक मैं नीचे ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो वो आप बेसिकली देख लीजिए। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रेंटल इनकम। तो कई सारे रिटायर्स होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि रेंटल इनकम वो जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे रिटायर्स इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रेंटल जो होता है मतलब रियल एस्टेट, उसका जो लिक्विडिटी होता है वो बहुत ही लेस होता है। अगर आप उसको डेट या तो स्टॉक मार्केट के साथ या तो म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी रहता है, लेकिन रियल एस्टेट का एक ही पिटफॉल है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं होता है। प्लस कैसा होता है कि अगर आपने कभी भी पहले लैंडलॉर्ड नहीं रह चुके हैं और आप 60 ईयर्स के बाद सडनली लैंडलॉर्ड बनने जाते हैं, तो आपको टेनेंट इश्यू मतलब जो भाड़ुआत होते हैं उसके इश्यू, या तो वैकेंट प्रॉपर्टी रहती है ये सब इश्यू के साथ भी आपको डील करना पड़ता है, प्लस प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के साथ भी आपको डीलिंग करता है
करना पड़ता है। तो अगर आपको पास्ट नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर का या लैंडलॉर्ड होने का, तो बेसिकली मैं ये ऑप्शन सजेस्ट पर्सनली नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से बैलेंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दे, या तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, या तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल ही है। तो अनलेस आपको लैंडलॉर्ड होने का या तो रियल एस्टेट सेक्टर का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेसिकली मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और दूसरा कैसा है कि इक्विटी या तो जो बैलेंस म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका जो CAGR है वो बहुत सारे प्रॉपर्टी से ज़्यादा होता है लॉन्ग रन में। तो बेसिकली आपको रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके पहले एक्चुअली आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी सजेशन या कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या तो आप एक्चुअली मुझे कोई पर्सनल क्वेरी भेजना चाहते हैं तो भी मेरा ईमेल एड्रेस मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू, ठीक है। थैंक यू।